चौपाई किसको कहते हैं? चौपाई का अर्थ होता है जिसके चार पाए चार चरणों, यानी चार भाग। सनंदे सनंदे साखियां, तीन साखी साखी पांव, तीन पांव पांव के हरफ का तुम दिल में ले जो भाव। सनंद कहा है प्रकरण को, जैसे बीतक में अनुपसर के संबंध में प्रसंग आता है, तहां उत्तरी सनंदे तीस, यानी कुरान के तीस पारों से संबंधित तीस प्रकरण उतरे। हमें ब्रह्मवाणी की जब चर्चा करनी होती है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला तथ्य यह है कि आपका हृदय पूरी तरह शांत होना चाहिए, और उस आपके शांत हृदय में धनी की शोभा बसी होनी चाहिए। पुरानी परंपरा क्या है कि एक व्यक्ति पढ़ता है और एक व्यक्ति उस पढ़ी हुई चौपाई की चर्चा करता है। अब पन्ना जी में देखेंगे तो एक एक चरण पढ़ा जाता है, और मेरा अनुमान है कि एक मिनट में उस चौपाई का शाब्दिक अर्थ बता दिया जाता है। संभवतः पाँच मिनट में एक चौपाई का अर्थ हो जाता है, पांच चौपाइयों की चर्चा होती है आधे घंटे में, कभी कम भी हो जाती है, कभी तो लगता है कि 20-15 मिनट में भी चर्चा हो जाती होगी। हमें युग के अनुसार अपनी शैली में परिवर्तन करना होगा। जिन सुंदर साथ को कम से कम 2000 चौपाइयाँ याद हैं, 5000 याद हैं, केवल वही अलग बैठ करके दूसरे से पढ़वाएं और चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिनको इतनी चौपाइयाँ 5000, 3000, 4000 नहीं हैं, उनको चाहिए कि वाणी स्वयं पधराएं, क्योंकि आपने चौपाइयाँ याद नहीं है, कहीं से कोई चर्चा के लिए आपको कह दिया और आपको पूरी बात का पता नहीं है कि ऊपर से प्रसंग कौन सा चल रहा है, उसके कई चौपाइयाँ महत्वपूर्ण हैं, आपको कंठस्थ नहीं है, तो आप बढ़िया से चर्चा नहीं कर सकते। जिसे सागर की सिंगार की चौपाई आ जाए, मार्फत सागर क़यामत नमक की चर्चा आपको करनी पड़ जाए, आपने यदि पहले से तैयारी की है तब तो कर लेंगे। आपके पास 4-5 हज़ार चौपाइयों को याद करने का जो कोर्स होगा, 4-5 हज़ार चौपाइयाँ आपको याद हैं, तो कहीं से न कहीं से लिंक जोड़कर व्याख्या कर देंगे। लेकिन जब याद नहीं होगा तो उसमें अटकना पड़ता है। वाणी आपने 15 रखी है तो आपके साथ एक पेज पर कम से कम 20 चौपाइयाँ तो दिखाई दे रही हैं। आप मारिफत सागर की चर्चा करने बैठ गए, क़यामत नामा की चर्चा करने बैठ गए, सागर श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं, तो आप पूरे पृष्ठ पर किसी भी चौपाई को अपनी तरफ से देख सकते हैं, उसकी गहराई पर प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे चौपाई है, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, आपका नेत्र से संबंधित 10 चौपाइयाँ आपको याद नहीं है, तो जो चरण बोला जाएगा उसी की तो व्याख्या आप कर सकते हैं। यदि नेत्र से संबंधित 10 चौपाइयाँ याद हैं तो उस विषय की व्याख्या आप जवानी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने खुद वाणी पधरा रखी है तो उस पृष्ठ पर चौपाइयाँ देख लेंगे कि राज्य के नेत्र से संबंधित कैसी विशेषताएँ हैं, आपको याद भी नहीं रहेगा, तो उनका भाव लेकर उस चौपाई की व्याख्या में आप जोड़ देंगे तो आपकी चर्चा प्रभावशाली होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पुरानी परंपरा थी। पहले क्या होता था, वाणी इतनी लिखित में नहीं होती थी, तो आप देखते हैं जो विद्वत वर्ग होता है पगड़ी बांध करके बैठ जाता है, एक सुंदर साथ वाणी पढ़ता है, एक सुंदर साथ उसका अर्थ करता है, ये परंपरा से चली आ रही है। वहाँ के समाज के लिए तो ठीक है, आपका उद्देश्य वाणी की चर्चा को प्रभावशाली बनाना, ताकि आपकी चर्चा सुनने के लिए सभी लोग ललचित हो। आप देखिए बीतक सप्ताह में भी हमने शैली को थोड़ा सा परिवर्तित किया है। सावन के महीने में जो बीतक होती है तो एक व्यक्ति बीतक की चौपाइयाँ पढ़ता जाता है, दूसरा उसका अर्थ करता जाता है,
अब युग बदल गया है। आप सोचिए, आप ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें एक एक मंत्र पर व्याख्या करने वाले आपको एक दो नहीं सैकड़ों विद्वान मिलेंगे। आर्य समाज में 5000 कम से कम आचार्य हैं जिन्होंने दर्शन पढ़ाए, व्याकरण पढ़ाए, वेद पढ़े हैं। आप अपने मंदिर की चारदीवारी में बैठकर ये सोच लेते हैं जयकारा लगाकर कि हमने सारी दुनिया को जीत लिया है, तो ये भ्रम है। आप ऐसे संसार में जा रहे हैं जहाँ एक से एक महारथी आपको मिलेंगे। यदि आपके पास 5000 चौपाइयों का कोष नहीं होगा, आप किसी से पढ़वा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, उसकी अच्छी व्याख्या नहीं की, कहीं अटक गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। श्रोता के मन में आपके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए बीतक की चर्चा के लिए भी मैंने स्वयं को पढ़ने का विधान बनाया। आप देखेंगे भागवत के जो कथाकार होते हैं, वो रमेश ओझा हैं, डोंगरे जी महाराज हैं, स्वयं भागवत के सामने बैठते थे। मुरारी बापू स्वयं बैठते हैं। मुरारी बापू के बारे में सुना जाता है कि पूरी रामायण उनको कंठस्थ है, उनको किसी पढ़वाने वाले की जरूरत नहीं है। हम सुंदर साथ में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है, प्रतिदिन केवल 2 चौपाई यदि आप याद करते हैं तो एक वर्ष में आप 700 चौपाइयाँ याद कर लेंगे और 10 साल में 7000 चौपाइयाँ आपको याद हो जाएंगी। इसी तरह से यदि हर सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहे तो 8-10 साल में ऊंचे स्तर का वक्ता बन सकता है। 10 वर्षों में 2-2 चौपाई याद करने से 7000 चौपाइयाँ जिसको याद रहे वो कहीं से भी किसी चीज़ पर धारा प्रवाह बोल सकता है। लेकिन हमारे पास चौपाइयों का संकलन भी नहीं होता। व्याख्या करने के लिए तो चौपाई पूरी चौपाई याद ना हो, एक चरण तो याद होना ही चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी परंपरा का आँख मूंद कर हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें परिस्थिति के अनुसार अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता ऐसा हो जो सबके लिए कल्याणकारी हो। अभी यदि रमेश सोचा को मुझे नहीं लगता सारे भागवत के 18000 श्लोक याद हैं। हाँ, उनको प्रसंग मालूम है, अच्छी व्याख्या करने की शैली उनके पास है। जब अवसर मिलेगा तो उनकी पुरानी सीडी दिखाएंगे। आप देखिए, जब गोपी गीत का वर्णन करते हैं, योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं, तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध होते हैं। हमें भी वैसी शैली निकालनी होगी कि वाणी चर्चा को सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो जाए। सुंदर साथ तो होते हैं, सागर श्रृंगार खिलवत की चर्चा सुनकर सुंदर साथ की आंखों में आंसू आते हैं। किरंतन में ऐसा अनमोल ज्ञान है, कलश में ज्ञान है कि प्रवाही क्यों नहीं रोए। लेकिन हमारा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए अच्छा। दुर्भाग्य से हमारे समाज में कभी किसी को प्रशिक्षित नहीं किया गया। वाणी के सामने जब आप बैठे हैं तो वाणी का सम्मान हमें रखना होगा। तारतम वाणी के सामने जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो भाव होना चाहिए कि राज्य के ज्ञानमय स्वरूप के सामने बैठे हैं। और यहाँ पर हमें चीख चीख कर बोलना, किसी के लिए कट शब्दों का प्रयोग करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहीं ना कहीं अपराध है। हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि राज्य के आदेश पर हम ज्ञान का प्रकाश फैलाने निकले हैं और इसमें हम शालीन भाषा में वाणी के गुह तत्वों को सरल से सरल रूप में प्रस्तुत करना है, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पुरानी परंपरा में जिस चौपाई की चर्चा करनी होती है उस चौपाई से पूर्व के प्रकरण की उस चौपाई से पूर्व की चौपाई को पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमें भाव मालूम हो जाए कि चौपाई का लिंक क्या है, इस चौपाई में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि यह ब्रह्मवाणी किसने कही, किससे कही, क्यों कही, किस लिए कही, जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा वास्तविक अर्थ का निरूपण नहीं हो सकता। साहित्य में ऐसा देखा जाता है, जैसे मैं वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ, हरि बोला हरि नहीं सुना, हरि गए हरि के पास,
वे हरि हरि में गए, हरि भय बहुत उदास, क्या अर्थ करेंगे? हरि बोला, मेढक ने बोला, हरि ने सुना, सर्प ने सुना। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, सर्प मेढक के पास आया। वे हरि हरि में गए, हरि एक का अर्थ होता है पानी। वे हरि हरि में गए, हरि भाई बहुत उदास, मेढक पानी में चला गया और सर्प माँ से उदास हो गए कि मेरा शिकार चला गया। आप यदि प्रसंग पर अर्थ नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो क्या लगेगा? ये क्या पहली है कि हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। अलंकारिक भाषा है। मेरे कहने का से क्या है, तारतम वाणी के सामने जब आप चर्चा करने के लिए बैठिए तो अपने मन को शांत कर लीजिए कि आप राज्य की एक विशेष सेवा करने जा रहे हैं, उनकी दी हुई ब्रह्मवाणी को संसार में फैलाने जा रहे हैं। आपके पास जो भी ज्ञान है संसार के कल्याण के लिए है, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को कट शब्दों से संबोधित करके उसका हृदय दुखाने के लिए नहीं, बस उसके हृदय में विद्यमान आत्मा को जागृत करने के लिए आपको ये वाणी दी गई है कि उसका प्रकाश फैलाइए। तो पहले तो हमारी एक शैली होती है, हम बंदो सतगुरु चरण को बोलते हैं, प्रथम लागो दो चरण को बोलते हैं, लेकिन ये तब बोलिए जब आपको बढ़िया से सुर में वाणी को गाने आता है। यदि आपकी आवाज़ फटी फटी है, आप सुर में नहीं गाते हैं, तो बंदो सतगुरु मत बोलिए, प्रथम लागो मत बोलिए, आप मत डरिए, राज्य आप पर कृपा किए रहेंगे क्योंकि आप वाणी को फैलाने जा रहे हैं। उतना ही अनुसरण कीजिए जितनी आपकी समर्थ हो। यदि आप फटे स्वरों में या बेसुर में बिना ताल के बेताल होकर के चौपाई को गाएंगे, सुनने वाले का मन खराब हो जाएगा। आप नहीं गा सकते हैं तो मूल मिलावे का ध्यान करके चरणों में प्रणाम कर लीजिए, राज्य के गुमर जी की सेवा में प्रणाम कर लीजिए, युगल स्वरूप को प्रणाम कीजिए, कहीं भी कीजिए, किसी ब्रह्मणी को भी कीजिए, तो भाव रखिए कि उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप बने बसे हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य युगल स्वरूप है। तन को मत देखिए, उस तन में विद्यमान अक्षरातीत के युगल स्वरूप को देखिए। प्रणाम करके आप चौपाई की चर्चा करनी शुरू कर दीजिए। हाँ, यदि आप किसी संगीतकार के पास कुछ दिन बैठ लेंगे तो आपको दो तीन दिन में सुर में गाना बता देगा, कोई कठिन नहीं है। लेकिन प्रयास ही नहीं किया जाता तो हर कोई बेसुरा चौपाई पढ़ता जाता है, सुनने में भी बहुत भद्दा लगता है, परिणाम क्या होता है, सारी चर्चा का रस चला जाता है। आप देखिए, मुरारी बापू भी गाएंगे रामायण की चौपाई, सुर में गाएंगे, रमेश ओझा गाएंगे, सुर में गाएंगे, उनको ये सहन नहीं है। कोई अर्थ समझ का विद्वान भी जब बोलेगा तो वेद का मंत्र बोलेगा, सुर में बोलेगा। एक बार मैंने किसी विद्वान की चर्चा सुनी, का प्रवचन था वेद के ऊपर, उन्होंने जो वेद मंत्र का गायन किया उससे मन प्रसन्न हो गया। ये क्यों किया जाता है? जिनके पास गाने का अभ्यास है, यदि आप तारतम वाणी को बढ़िया से गाइए, प्रथम लागो दो चरण को, इतना तो आप आराम से सीख सकते हैं। संगीत का सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी संगीतकार आपको प्रथम लागो दो चरण को सुर में बोलना सिखा सकता है। नहीं तो यदि आप प्रवाहियों में जाते हैं तो तमस के पार में 5-6 दिनों में हमने अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया है। किसी दिन कोई मंत्र लिया है, किसी दिन कोई मंत्र लिया है, उनमें से कोई मंत्र याद कर जब आप प्रवाहियों में जाएंगे तो सुंदर साथ के बीच में आप बंदो सतगुरु गाइए, प्रथम लागो दो चरण को गाइए, लेकिन जहाँ एक भी सुंदर साथ न हो उनमें प्रथम लागो दो चरण को गाएंगे तो सोचेंगे कि किसके चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ यो भूतम च भव्यम च को गाइए, जो मंत्र अक्षरातीत के संबंध में कहे गए हैं केवल उनका गायन कर सकते हैं, हर श्लोक को हर मंत्र को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम भी गा सकते हैं। अब उसके बाद चौपाई की व्याख्या करने बैठिए। मैं आपको
कल जो चौपाई दिया था उसके एक चरण की व्याख्या करूँगा। सतगुरु मेरा साम जी, उसको आधार बनाकर आगे के तीन चरणों की व्याख्या आपको करनी होगी। मेरा अनुमान है आप जब ये धीरे धीरे शैली विकसित करेंगे तो आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि एक चौपाई पर आप आसानी से एक घंटे निकाल लेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा प्रसंग का ध्यान रखिए, प्रसंग के विपरीत कुछ भी ना बोलिए। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, प्रसंग के विपरीत बोलेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपसे पूछा गया है कि ये आम कैसा है, आप कहने लगे कि हमारे गांव में इमली बहुत अच्छी बिकती है, तो सुनने वाले क्या सोचेगा। इनसे पूछा गया आम के बारे में, व्याख्या कर रहे हैं इमली की। समय बढ़ाने के लिए लिंक से बाहर आपको नहीं जाना है, जो आपसे पूछा गया केवल उसकी व्याख्या करनी है, तो हर कोई सुनेगा समझेगा। आपके शब्दों का जो प्रवाह होना चाहिए बहुत तीव्र गति के नहीं होना चाहिए, इतना ही बोलिए जो समझ में आ जाए। एक बात और, कुछ सुंदर सा सोचते हैं कि लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, खूब जोर लगाते हैं, माइक है आपकी आवाज़ खींच लेगा। जैसे किसी को मोबाइल पर बात करना होता है तो मोबाइल के सामने तो धीरे से भी फुसफुस आएंगे तो मोबाइल आवाज़ खींच लेता है आपकी आवाज़, जिससे बात करने पहुंच जाती है। लेकिन लोग इतने ज़ोर से बात करेंगे कि चार कमरों तक आवाज़ चली जाए। मोबाइल से बात करने का तात्पर्य कि पांच कदम पर कोई बैठा हो आपकी बात न सुने तो ठीक है। इसलिए जब माइक के सामने आप जोर जोर से चिल्लाएंगे तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, आपकी आवाज़ में समरसता नहीं रहेगी। माइक सेटिंग ऐसी कीजिए कि धीरे से होठ हिलाए और आपका जो भी वक्तव्य हो उतार चढ़ाव के साथ सही शब्दों में आप श्रोता के सामने प्रस्तुत हो जाए। ये मंच पर जो अभिनय किया जाता है वो शैली नहीं अपनानी है, क्योंकि वो कृत्रिम होगी। आपके हृदय से उद्गार निकले लेकिन शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। अभिनय में तो उतार चढ़ाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कल मंच संचालन हुआ, मंच संचालन में अभिनय की तरह उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाता है। तारतम वाणी की चर्चा करते समय मधुर और स्पष्ट शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, उतार चढ़ाव थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे जब वाक्य पूर्ण होता है थोड़ा सा रुकिए, जहां अर्धविराम होता है वहां थोड़ा सा रुकिए, पूर्ण विराम के समय थोड़ा ज्यादा रुका जाता है। ऐसा करेंगे तो बीच में आपके हृदय को आराम मिलेगा। आप जैसे मौलाना लोग तकरीर वो देखते हैं ना, तकरीर देते हैं मस्जिदों में, धारा प्रवाह बोलते जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। जाकिर नाइक का सुनिए, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, तो जाकिर नाइक के लेक्चर को कोई भी सुनना नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो इतना कर्कश होता है, इतना चीखता है चिल्लाता है कि किसको पड़ी है कि सिर दर्द की दवा खाए। वाणी की चर्चा हृदय में आनंद को पैदा करने वाली होनी चाहिए कि उसको सुन करके आंखों से विरह के आंसू निकले। इसलिए आप देखिए अभी 20 मिनट तो हो गए, मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ पहले चरण की व्याख्या रखने का। मैं एक बात और समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा सनंदे सनंदे साखियाँ, एक एक प्रकरण में चौपाइयाँ हैं, साखी साखी पाँव, एक एक चरण में चार चार चरण हैं, तीन पाँव पाँव के हरफ का, उस एक एक चरण में जो शब्द आए हैं तिनका दिल में लीजो भाव, उनके शब्दों के भाव को अपने अंदर ग्रहण करना है। जैसे सतगुरु मेरा श्याम जी, दो शब्द आए हैं सतगुरु और श्याम, दोनों की व्याख्या जाननी आपको आवश्यक है वाणी के प्रमाणों से और धर्म ग्रंथों के प्रमाण से, और इनको दूसरे चरण से जोड़ना होगा और यह देखना होगा किस प्रसंग में किस समय यह प्रकरण उतरा है, इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में क्या कहा गया है और इस चौपाई के बाद की चौपाई में क्या कहा गया है, किसने कही है, किससे कही है, किस लिए कही है
और क्यों कही है, क्या क्यों कैसे किस समय और किसके लिए किसके द्वारा, इन प्रश्नों का जब उत्तर खोज लेंगे तो वाणी का रस अपने आप खुलता जाएगा। लेकिन वाणी के रस को उजागर करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने हृदय में, अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षातीत के चरणों की झलक को एक बार देख लीजिए। मैंने कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य की स्थिति में हमने बंदो सतगुरु नहीं कहा तो राज्य रूठ जाएंगे। आप गाने में सक्षम नहीं हैं तो अपने आत्मा के हृदय में विराजमान, मूल मिलाव में विराजमान धामधनी को प्रणाम कर लीजिए और प्रारंभ कर दीजिए। सतगुरु मेरा श्याम जी। सत क्या है? जो अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। सत्य का वह स्रोत जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कालातीत है वही सत्य है। परब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए उसको कहते हैं सच्चित अनंत। अंधेरे से उजाला ले जाने वाला ही तो गुरु तत्व है। सद्गुरु का तात्पर्य होता है अखंड ज्ञान का वह अखंड स्रोत जो हमें माया के अंधकार से परे अपने निज स्वरूप की पहचान कराए, वो सद्गुरु कहलाता है। कबीर जी ने एक बात कही है बहुत ऊंची, सद्गुरु हमसो रिच कर कहिया एक प्रसंग, भरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। सतगुरु कौन है? इस संबंध में कबीर जी ने बहुत ऊंची जो बात कही है कि सतगुरु हमसो रिच कर कहिया एक प्रसंग। कौन है सतगुरु? देखा जाए तो कबीर जी के गुरु तो रामानंद जी थे। रामानंद कर्मकांड से जुड़े थे, उनको परम धाम का या अक्षरधाम का कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ कबीर जी ने निसंदेह परब्रह्म की उस शक्ति को सतगुरु कहा है जो कभी माया के तन में प्रवेश नहीं करती, माया माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करती। सतगुरु अनादि है, अखंड है। ऐसी स्थिति में हमें मानना पड़ेगा, कबीर ने उन्हीं की तरफ संकेत किया है कि परब्रह्म की एक ज्ञान की धारा मेरी आत्मा के अंदर आई। सतगुरु हमसू रिच कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सम। प्रेम का बादल बरसा। प्रेम का बादल क्या है? धनी के प्रेम का बादल जिससे मेरी आत्मा सराबोर हो गई। ये कबीर जी के कथन का सह है। सामान्यतः कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण कर या कुछ साधनाएं करके स्वयं को सद्गुरु मान बैठता है। महामती जी का आशय कुछ भिन्न है। सतगुरु किसको कहते हैं? अखंड ज्ञान का स्रोत जिसमें हो। अखंड ज्ञान का स्रोत किसमें होगा? जिसमें परब्रह्म का आवेश हो, परब्रह्म का जोश हो, या किसी आत्मा ने अपने को जागृत करके कि प्रीतम की छवि को अपने अंदर बसा लिया है, तो उस स्वरूप को सतगुरु की शोभा दी जाती है। क्योंकि उसकी अपनी मैं तो रही नहीं, उसकी मैं राज्य की मैं में विलीन हो गई। मारिया कहिया कड़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। जिन्होंने अपनी मैं खुदी को समाप्त कर दिया, प्रीतम के प्रेम में डूब गए, उनको धनी की दी हुई अमृत वर्षा जो वाणी की है आत्मसात हो जाती है और उसे परम धाम की आत्माओं को प्राप्त होती है, तो कहते हैं कि ये हमारे सतगुरु हैं। इसलिए तीन सतगुरु हैं। पहले सतगुरु कौन है? मूल स्वरूप। धर्म ग्रंथों में कहा गया है सहेस पूर्वेशम अपिगुरु कालीन अन्वेच्छेदात, योग दर्शन का सूत्र है, कि परमात्मा ही सबका सतगुरु है। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि में सबसे पहले ज्ञान किसके माध्यम से आएगा? परमात्मा के द्वारा। चारों वेदों का ज्ञान किसके माध्यम से प्रकट हुआ? परमात्मा के द्वारा। तस्मात यज्ञात सर्वत होता है ऋचय समान जग्रे छंदान से हाथ जग्यो तस्मात यजो तस्मात अजायत, उस परमात्मा से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उत्पन्न हुए। स्कंद सूक्त में मंत्र है यस्मात रिपो अपातक्षन
यजु यस्मात् अपासकन समान यस्य लोमानी अथर्वा अंगिर ऋषभुखम अस्कंभम तम ब्रतमा से देवा। जिस परमात्मा से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, लोम के समान सामवेद उत्पन्न हुआ और अखंड ज्ञान का प्रवाह देने वाला अथर्ववेद उत्पन्न हुआ, सबको धारण करने वाला वह परमात्मा है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। भाव क्या है? ज्ञान का सागर कौन है? वेद का उत्पन्न करने वाला कौन है? परमात्मा। शाश्वत सत्य का मूल क्या है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को ही एकमात्र मूल सतगुरु कहा जा सकता है, क्योंकि अखंड ज्ञान का मूल स्रोत उसी से प्रकट होता है। किंतु उस परब्रह्म का आवेश जिसके धाम हृदय में विराजमान हो जाए, उसको आवेश सतगुरु कहते हैं। इसमें दो स्वरूप आते हैं, सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी और श्री प्राणनाथ जी। तीसरा स्वरूप कौन होता है? जिसके अंदर परब्रह्म का जोश विराजमान होता है, जिस आत्मा ने अपने धाम हृदय में प्रीतम की छवि को बसा लिया होता है, परब्रह्म के जोश की उस तन से लीला होती है, क्योंकि अब वह तन संसार के अन्य प्राणियों से अलग हो गया होता है। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हुजुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। जिसने शरीर की मैं, संसार की मैं, जीव की मैं, सबको प्रीतम के प्रेम में विलीन कर दिया, उसकी आत्मा केवल यही पुकार कर रही है कि केवल तू ही तू है, और मैं तो तुम्हारी कियल, मैं आपकी हूँ, मेरा भी अस्तित्व आप में निहित है। उस आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की छवि अखंड बनी रहती है और उन्हीं की ज्ञान धारा उसके मुख से निकलती है। इसलिए तीसरे स्वरूप को जोश स्वरूप सतगुरु कहते हैं। ये तीन स्वरूप सतगुरु होते हैं, और चौथा जो सतगुरु माना जाता है वो ट्रस्टियों की कृपा से बनता है, वो होता नहीं है। किसी स्थान का महाराज बना दीजिए, कुछ ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है, थोड़ी सी आँख मूंद लेता है, साधना करने वाला कहा जाता है, और सारा संसार का यही कहता है कि ये हमारे सतगुरु हैं। लेकिन महामती जी ने सभी रहस्यों से पर्दा उठाया। सतगुरु साथ दो वाकों को ये जो अगम की देवे गम, हद बेहद सवे समझावे भाने मन को भरम। सतगुरु कौन है? अगम की देवे गम, जिस निराकार परिमंडल से कोई परे नहीं हो सका, उसकी जो पहचान देता है केवल उसको सतगुरु कहलाने का अधिकार है। इसलिए तो कहा सतगुरु मेरा श्याम जी। श्याम किसको कहते हैं? अलग अलग प्रसंगों में श्याम का अर्थ किया जाता है। संस्कृत के शब्दकोश में प्रायः 16 के आसपास अर्थ है श्याम शब्द का अर्थ। तप्त कंचन वर्ण आभासा श्यामा उच्यते। श्याम सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य का जो रंग होता है उसको श्याम रंग कहते हैं। श्याम का अर्थ काला भी होता है, लेकिन यहाँ काले रंग से आशय नहीं है। लोगों ने क्या सोचा है कि कृष्ण का रंग काला था? कृष्ण का रंग काला नहीं था, श्याम था। आकाश के बादल को देखिए, बादल तो श्वेत होता है लेकिन भूरा दिखता है। जल श्वेत होता है लेकिन जल नीला दिखता है। उसी तरह से तप्त कंचन वर्ण आभासा श्यामा उच्यते। 16 वर्षीय किशोरी कन्या जो तपाए हुए कंचन के समान हो। कंचन रंग किसको कहते हैं? थंब कंचन अतिलाल, अतिलाल कहा है। कंचन के समान सोने को 16.5 बार तपाएंगे तो उसका पीलापन समाप्त हो जाएगा और लाल रंग में दहकने लगेगा, उसको कहते हैं कंचन रंग। तप्त कंचन आभासा श्यामा उच्यते, जिसका मुखारविंद कंचन के समान लाल हो, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। श्यामा जी का जो रंग है वही रंग श्याम का भी होगा। यदि श्याम का अर्थ काला करें तो श्यामा जी का रंग तो काला होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो श्याम का रंग है वही श्यामा का रंग है, जो राज्य का स्वरूप है वही श्यामा जी का स्वरूप है। इसलिए परम धाम में जो युगल स्वरूप है उनको श्याम श्यामा कहते हैं। ब्रज में राज जी श्यामा जी के रूप में
राधा कृष्ण ने लीला की, अक्षर की आत्मा के साथ राजी का आवेश विराजमान होता है कृष्ण के तन में, श्यामा जी की आत्मा राधा के तन में आती है, तो वहाँ उनकी जोड़ी को भी श्याम श्यामा कहा गया, क्योंकि इससे अधिक जोड़ी सुंदर कोई संसार में नहीं थी। रास में भी श्याम श्यामा कहा गया। यहाँ जो प्रसंग है, यहाँ ये अर्थ नहीं होगा कि श्री कृष्ण जी हमारे सतगुरु हैं। कौन मेरा सतगुरु है? जो मूल मिलाव में बैठा है, जिसने श्री देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया। आप देखिए यहाँ भी श्याम शब्द आता है। कांजी भट्ट किसकी कथा सुनाते हैं? भागवत की। किसके मंदिर में? श्याम जी के मंदिर में। श्याम जी का मंदिर किसका मंदिर है? राधे कृष्ण का मंदिर है। वितक में प्रसंग आता है, तामे मूर्ति पिंगल श्याम। पिंगल श्याम का अर्थ है राधा कृष्ण, यानी देवचंद जी का जो उमरकोट का गांव था उसमें भी राधा कृष्ण की मूर्ति थी। श्याम के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होते हैं। सतगुरु मेरा श्याम जी, जो प्रियतम अक्षरातीत अति सुंदर किशोर स्वरूप वाला है, जो मूल मिलावे में अपने अनंत सौंदर्य से विराजमान है, वही परब्रह्म मेरी आत्मा का सतगुरु है। वही देवचंद जी के सामने प्रकट होता है और वही स्वरूप श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। मेरी आत्मा का मार्गदर्शक वही है। सतगुरु संगे मैं एक घर पाया, दिया पारब्रह्म दिखाई, श्री महामत कहे मैं याविद बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई। कौन महामत जी को कौन मिला? सतगुरु। देवचंद जी को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उनके सतगुरु कौन है? जो देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान है वह सतगुरु हैं। देवचंद जी तो तब भी थे जब हरिदास जी के पास थे, जब बारात के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन वो सतगुरु नहीं। सतगुरु कब बने? जब उनके धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत विराजमान हुए, श्याम विराजमान हुए, जिनकी अनंत शोभा है, कंचन वर्ण की जिनकी कांति है, वह प्रीतम जब विराजमान होते हैं तो अब देवचंद जी कहलाएंगे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी। जब वही अक्षरातीत महाराज महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होंगे तो उनको कहा जाएगा प्राणनाथ। यही टीका, यही पाउड़ो, यही निछावर आए श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलबल जात। अब वे सबके प्राणनाथ है। देवचंद जी के सतगुरु कौन? श्रीराज। महामती जी के सतगुरु कौन? वही श्रीराज, प्राणनाथ, वही श्याम, यानी जिनको प्राणनाथ कहते हैं, जिनको श्रीराज कहते हैं, जिनको अक्षरातीत कहते हैं, उन्हीं को श्याम कहा गया है। वही श्री देवचंद जी के अंदर प्रकट होते हैं, वही महामती जी के अंदर प्रकट होते हैं, सबको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, वही हर ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में विराजमान है। तभी तो कहा है, अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठी कसम। एते दिन हक जस गाया, लदुनी का बेवरा कर, हके हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। अब सबके हृदय में प्रीतम की छवि विराजमान हो रही है, क्योंकि सागर की वाणी अवतरित हो चुकी है। अब इस महासिंगार ग्रंथ के द्वारा सबको यह एहसास करा देना है कि प्रीतम हमसे दूर नहीं। जब हक के चरण, राज्य के चरण दिल में आ गए तो इत जुदागी कहाँ रही, जित हके धरे कदम। जिस आत्मा के धाम हृदय में धनी के चरण पड़ गए तो वियोग का प्रश्न ही रहा, और ये स्वरूप सुंदर साथ के दृष्टि में सम्मानित होता है तो सभी मिलकर कहते हैं कि ये हमारे सतगुरु हैं। वास्तव में सतगुरु तब तक कोई नहीं कहला सकता जब तक उसके हृदय में धनी के नख से सिख तक की शोभा विराजमान न हो जाए। धन से, बहुत बड़े आश्रम का स्वामित्व पाने से, या कुछ लोगों का समूह के द्वारा जय जयकार लगाने से कोई भी सतगुरु नहीं कहला सकता। हाँ, भले ही तन के रहते रहते डर के मारे लोग सतगुरु माने, सतगुरु की कसौटी यही है कि उस तन में सबको अखंड परम धाम की पहचान कराने वाला स्वरूप विराजमान हो। इसलिए महामती जी कहते हैं
कि श्री देवचंद जी के धाम हृदय में मेरे प्रीतम विराजमान है, मेरे सतगुरु विराजमान है। और उन्होंने क्या कहा किया, सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। मैंने परम धाम की पहचान किसमें की, अपने सतगुरु से। जो माहे निर्मल बाहर देन दिखाई, वाकी पार ब्रह्म सो पहचान। श्री महामत कहे संगत कर वाकी करवाही सो गोष्ट ज्ञान। माहे निर्मल हृदय निर्मल हो किंतु उसकी निर्मलता की पहचान इन आंखों से नहीं हो सकती। उसके पास कोई दिखावा नहीं होगा, ताम झाम नहीं होंगे कि हजारों लोग उसके स्वागत में खड़े होंगे। आपने कुंभ का दृश्य देखा होगा क्या होता है, एक एक महाराज के साथ फौज चल रही होती है, शिष्यों की फौज। कोई छत्र लेकर चल रहा होता है, कोई चंवर लेकर चल रहा होता है, जय जयकारे लगा रहे होते हैं। क्या कहते हुए, हमारे जगत गुरु पधार रहे हैं। जगत तो स्वप्नवत है, मिथ्या है, मिथ्या जगत का गुरु सतगुरु कैसे हो सकता है। सतगुरु तो वो जो अखंड का ज्ञान देने वाला हो। आज संसार के लोग और हमारे भी समाज के वरिष्ठ सदस्य जिनके ऊपर धर्म का उत्तरदायित्व है, वो भी जगत गुरु कहलाकर खुश होते हैं। अरे भाई, जगत तो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म न एव अपरा, झूठे जगत के गुरु अखंड कैसे हो सकता है। इसलिए गुरु गीता में भी यह बात दर्शाई गई है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वम अस आदि लक्ष्यम एको नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुण तम नमामि। कैसा वह सद्गुरु है, सभी भावों से अतीत है, तीनों गुणों से परे है। यह स्वरूप किसके लिए कहा जा सकता है, परब्रह्म के लिए। एक श्लोक प्रचलित है जो आमतौर पर प्रवाही तो गाते हैं, सुंदर साथ में भी उसका गायन शुरू हो जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और सतगुरु में अंतर होता है। गुरु प्रकाश दिखाता है, इस संसार में भी रहने का प्रकाश दिखाता है, ग्रंथों का ज्ञान देता है। सतगुरु कौन, जैसे परमात्मा को कहा जाता है सच्चित आनंद। सत्य क्या है, जो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, जो पहले नहीं था आज है भविष्य में नहीं रहेगा, उसको सत्य नहीं कह सकते। सत्य वह है जो आनंद है, जो अनंत है, अनादि है, अखंड है, वही सत्य है। इसलिए सत और गुरु को जोड़ेंगे तो व्याकरण के नियम से सतगुरु शब्द बन जाता है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरा सतगुरु कौन है। इन उल्टी से उल्टाए किए पिया प्रेमी करे सन्मुख। एक समय है जब श्री महामती जी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर को सतगुरु मान रहे हैं, लेकिन कहानी बदलती है। अब उन्हीं में महामती जी के धाम हृदय में स्वयं श्री राज जी विराजमान हो गए हैं, जो देवचंद जी के तन में हैं। आप देखिए नवतनपुरी में मिहराज बैठे हैं, धरोल में चले गए, कला जी के पास वजीर के सचिव का पद संभाल लिए हैं, उनके यहाँ राजकीय सेवा में तल्लीन है। अपने आराध्य अपने सर्वेश्वर अपने प्राणनाथ को सदगुरु के रूप में देखते हैं, पुकारते हैं उनको, संसार का कोई सदगुरु मानकर नहीं, अपनी आत्मा का प्रीतम मानकर, और हर ऋतु में विरह करते हैं कि मेरे प्रीतम मुझे बुला लो। शरीर की दृष्टि से देखें तो देवचंद जी का शरीर पुरुष का है, मिहराज का तन भी पुरुष का है, और देवचंद जी का शरीर तो वयोवृद्ध हो चुका है, अति वयोवृद्ध, लगभग 70 वर्ष की अवस्था है। इस संसार में एक प्रियतमा अपने प्रीतम को पुकारती है, मिहराज शरीर नहीं देख रहे हैं, मिहराज देवचंद जी का तन नहीं देख रहे हैं, उस तन में परम धाम की भावना से कह रहे हैं कि मेरा धनी इसी नौतनपुरी में बैठा है, एक काजपुरी में हम दोनों बैठे हैं, लेकिन मेरे धाम धनी आप मुझे बुला नहीं रहे हैं।
कहानी कैसे क्या है कि देवचंद जी को धाम धनी या सतगुर कल्याणी की शोभा तभी मिलती है जब श्याम जी के मंदिर में राज जी उनको दर्शन देकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब दूसरों को श्री देवचंद जी को सतगुरु कहने वाले स्वयं महाराज के अंदर जब वही स्वरूप विराजमान हो जाता है और वह स्वरूप जगाने के लिए चल देता है तो ठट्ठे नगर में चिंतामणि को जगाते समय क्या कहते हैं, सत चाहो तो शब्दा चिन्ह आप न दिखे देवे दिखाई, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाए। इस प्रकरण में उन्होंने चिंतामणि को संबोधित किया है। चिंतामणि जो हजार शिष्यों के गुरु बने हैं, कहीं ना कहीं गादी का अहंकार है कि मैं कबीर पंथ की इस गादी का इतना बड़ा गुरु हूँ कि मेरे हजार शिष्य मेरी जय जयकार लगाने के लिए मेरे चरणों में अपना शीश रखने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, मेरे पास इतनी सिद्धियाँ हैं, मेरे पास कबीर पंथ का इतना ज्ञान है, यह कौन सोच रहा है, गुरु। एक गुरु को सतगुरु पहचान करा रहा है, जो पहचान करा रहा है वो भी कभी सामान्य सा व्यक्तित्व था, वो केवल महाराज के नाम से सभी जान रहे हैं उनको, वो भी अपने सतगुरु के लिए तरसते हैं, लेकिन अब उस धाम हृदय में प्रीतम वही बैठ गया जो मूल मिलाव में बैठा है, जो देवचंद जी के अंदर बैठा है। अब वो जो चिंतामणि की आत्मा है जो महंत बनकर बैठी है, 1000 शिष्यों का गुरु बनकर के बैठी है, उसको प्रबोधित कर रहे हैं कि सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाई, आंटी आन के फांस लगाई सो भी दही उल्टाई, बंद सो बंद दिए बिद बिद के सो खुल्या किन्हु न जाई। प्रबोधित करते हैं कि चिंतामणि तुमने एक घर को छोड़ा दूसरा घर पकड़ लिया, एक डारो एक डारी तो दूजी भी डारो जलाय देव चतुराई, सत चाहो तो शब्दा चिन्ह आप न देवे दिखाई। आगे के चरण में क्या कहते हैं, पर मनवा दिए बिन हाथ न आवे सत की बड़ी टकुराई, और अंतिम शब्द है सतगुर लीजे रिझाई। कौन बोल रहा है, देवचंद जी नहीं बोल रहे हैं, देवचंद जी के अंदर जो था वो महाराज के अंदर बोल रहा है, उस तन के अंदर जो वह तन किसी और को कभी सतगुरु मान रहा था। इसका तात्पर्य क्या है, शरीर नष्ट होते हैं सतगुरु नष्ट नहीं होता, क्योंकि सतगुरु नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान के प्रकाश का ही अंत हो जाएगा। हमसे एक भूल क्या होती है, हम शरीर को सतगुरु मान करके बैठ जाते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारे सतगुरु बाबा दयाराम साहब, हम दयाराम बाबा के सामने किसी को नहीं मानते। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे सतगुरु श्री देवचंद जी, उनके जैसा कोई नहीं, प्राणनाथ जी तो उनके शिष्य थे। मैं सिक्किम में एक कार्यक्रम दे रहा था, त्रिलोक जी ने वो कार्यक्रम कराया था, एक 8 साल के बच्चे को खड़ा कर दिया गया प्रश्नोत्तरी के लिए, क्योंकि आम जनता के लिए कार्यक्रम था, सभी को प्रश्न करने की छूट दी, छोटा सा बच्चा उसको सिखा दिया गया कि तुम प्रश्न ये करो कि प्राणनाथ श्री देवचंद जी का चेला था। मुझे हंसी आ गई कि भाई मैंने उत्तर में ही कहा कि तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर से कोई और बुलवा रहा है, कम से कम तुम्हें शिष्टाचार तो सीखना चाहिए, जिस व्यक्ति ने तुमको ये सिखाया ये प्रश्न बनाया है उसको शिष्टाचार की भाषा तो आनी चाहिए कि री करके प्राणनाथ जी को बोल रहा है। हमारे समाज में एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि प्राणनाथ जी को देवचंद जी का चेला कहा जाए, कम से कम शिष्य शब्द भी कह देते तो भी चला जाए। प्राणनाथ जी का कोई गुरु तो हो नहीं सकता, प्राणनाथ तो वही है जो देवचंद जी को दर्शन देते हैं। जब प्राणनाथ जी देवचंद जी को दर्शन देते हैं, आप शरीर से न जाइए, महाराज प्राणनाथ नहीं है, देवचंद प्राणनाथ हैं, जो मूल मिलाव में बैठा है वो हमारा प्राणनाथ है, वही हमारा सतगुरु है। क्या कहा है,
दो सिपन ए तीसरा दिखाए प्राणनाथ। ब्रजराज और इस जागनी के ब्रह्मांड का खेल जो दिखाने वाले हैं वो कौन है? हमारे प्राणनाथ। देवचंद जी के अंदर जब वही राज्य का आवेश विराजमान होता है तो उनको क्या कहते हैं? प्राणनाथ। कहाँ है? गांगजी भाई से और श्री देवचंद जी के द्वारा वार्ता हो रही है। श्री देवचंद जी क्या कहते हैं? तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ कारणो अपनो साथ, माया मीने आई सृष्टि ब्रह्म, सो बुलावन आए हैं हम। जिसको प्राणनाथ कहते हैं वो तो देवचंद जी के अंदर विराजमान है, इसलिए प्राणनाथ जी से प्राणनाथ जी का मिलन क्या होगा? प्राणनाथ जी से मिहराज का मिलन होगा। अभी मैं कह रहा था, उस दिन की चर्चा में भी मैंने कहा था कि कोई भी तन कितना भी जानकार हो उससे कोई न कोई चूक हो सकती है। वितक में एक चौपाई आती है, मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहेब। एक चौपाई कंस है, मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहेब। श्री जी साहेब कौन है? अक्षरातीत। लालदास जी से ऐसी भूल नहीं हुई, एक आदर सूचक भाव में बार बार मिहराज लिखने में उनको झिझक हो रही है कि कैसे हम बार बार नाम लेकर पुकारें, श्री जी साहब कहते रहे हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये चुक है। सदगुरु धनी देवचंद जी धाम धनी हैं, बालाजी हैं, उन्हीं को प्राणनाथ कहते हैं, उनके चरणों में मिहराज जाएंगे। श्री देवचंद जी को दर्शन किसने दिया? जो मूल स्वरूप है श्री राज जी, जिनको प्राणनाथ कहिए, अक्षरातीत कहिए, धाम धनी कहिए, उन्होंने दर्शन दिया। मिहराज के धाम हृदय में जब वो स्वरूप विराजमान हो जाता है तो सब उनको अपना प्राणनाथ कहते हैं और उनको सतगुरु कहते हैं। आपने विद्वानों के मुख से सुना होगा, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनहु कर प्रणाम। यानी प्राणनाथ जी कौन है? हमारे परम सतगुरु हैं। इसका तात्पर्य क्या है? महामती जी की आत्मा किसको प्रणाम कर रही है? जो मूल मिलावे में विराजमान है, जो अपने अवेश स्वरूप से श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान है। अब महामती जी के धाम हृदय में वही स्वरूप विराजमान हो गया है, इसलिए यहाँ आशय है इंद्रावती जी का कि मेरा सतगुरु कौन है? जो मूल मिलावे में विराजमान अक्षरातीत मेरा प्रीतम है, वही श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान हुआ, अब मेरे धाम हृदय में विराजमान हो चुका है। जैसे कंचन थाल चहुमुख दिवला आरती उतारी जा रही है श्री महामती जी की को अक्षरातीत मानकर, लेकिन महामती जी के द्वारा उस आरती में कहा जा रहा है महामती चरणोला। किसके चरणों में महामती प्रणाम करते हैं? राज्य के चरणों में। राज्य कहाँ बैठे हैं? मिहराज महामती जी के धाम हृदय में। इसलिए सतगुरु शब्द को शरीर परक नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब तक श्री देवचंद जी का तन था सब सुंदर साथ उनको धाम धनी मानते रहे, सतगुरु मानते रहे और उनके चरणों में अपना सर्व समर्पण करते रहे। जब तक 1751 तक लीला होती रही तब तक सब सुंदर साथ श्री मिहराज के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत को अपना सर्वस्व मानते रहे और उसी भाव से अष्टपहर की लीला में उनकी सेवा करते रहे। सब सुंदर साथ ने क्या माना? यही अक्षरातीत हैं, यही है धनिधाम, यही हमारे राज्य हैं, यही प्राणनाथ हैं, यही सतगुरु हैं। जिसने परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के चरणों में अपना जीवन गुजारा और उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि देखी, उन्होंने उनको सतगुरु माना। लेकिन एक कैसी विडंबना है इस समाज की कि आपस में टकराव शुरू हो जाता है, हमारे सतगुरु महाराज जैसा कोई नहीं हुआ न कोई होगा। आप अपने सतगुरु पर आस्था रखिए लेकिन ये मत कहिए कि हमारे सतगुरु जैसा कोई नहीं हुआ। किसी भी आत्मा को शोभा दी जाती है तो किसके द्वारा दी जाती है? मूल स्वरूप के द्वारा। एक गुरु के दो शिष्य थे, एक शिष्य पैर दबाने लगा, दूसरा भी दूसरे पैर को पकड़ कर दबाने लगा। अचानक किसी कारण से दूसरे पैर में ठोकर लगी। पहले जो दबा रहा था उसने सोचा कि उस पैर से ठोकर इसमें लगी है तो मैं इसको सजा दूंगा। उसने डंडा उठाया
और उनको ऊपर प्रहार कर दिया। पीड़ा किसकी हुई? गुरु जी को, क्योंकि दोनों पैर तो उसी के हैं, कोई दाएं को दबा रहा है कोई बाएं को दबा रहा है। परम धाम की वहदत में रहने वाली सभी आत्माएं हैं, चाहे सरकार जी की आत्मा हो, चाहे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की आत्मा हो, बाबा दयाराम की आत्मा हो, या मंगलदास जी महाराज की आत्मा हो, लेकिन आप जाइए सभी स्थानों पर, वहाँ के सतगुरु को बड़ा कहा जाएगा, दूसरों को छोटा कहा जाएगा। करनाल जाइए तो यही कहा जाएगा बाबा दयाराम जैसा कोई नहीं हुआ। शेरपुर जाइए, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी जैसा कोई नहीं हुआ। रतनपुरी वाले तो किसी को सुनने को तैयार नहीं, वो तो कहेंगे कि प्राणनाथ जी से भी वाणी नहीं खुली, सरकार श्री ने खोली, हम सरकार श्री के सामने किसी को नहीं मानेंगे। कालिंगपुर चले जाइए तो वहाँ के मानने वाले कहेंगे कि नहीं, मंगलदास जी जैसा कोई नहीं हुआ, हम मंगलदास जी के सिवा किसी को नहीं मानते। आप यह तो सोचिए, चाहे बाबा दयाराम की आत्मा हो, सरकार श्री की आत्मा हो, या परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की आत्मा है, सबके अंदर तो एक ही स्वरूप ने लीला की है। आप छोटा बड़ा कर करके लड़ते झगड़ते क्यों हैं, दूसरे की निंदा क्यों कर रहे हैं? जैसी स्थिति रही उस तन से वैसी लीला की गई। किसी को छोटा किसी को बड़ा नीच ऊंच कहना और लड़ना झगड़ना घृणा के भाव रखना, किसको पीड़ा हो रही है? हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए सारे द्वंद्वों से परे होने के लिए एक चौपाई निर्धारित की है राज जी ने, सतगुरु मेरा श्याम जी। आपकी भावना मंगलदास जी पर है तो मंगलदास जी के अंदर युगल स्वरूप को देखिए, आपकी भावना सरकार श्री पर है तो उनकी आत्मा में युगल स्वरूप को देखिए, आपकी भावना रामरतन दास जी पर है तो युगलदास जी की भावना, युगल स्वरूप की भावना कीजिए। किसी भी ब्रह्मुनि पर आपकी आस्था है तो युगल स्वरूप की छवि उनमें देखिए और परम धाम की आत्मा का भाव लीजिए। चाहे श्री देवचंद जी हों, चाहे श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप हो, जब युगल स्वरूप उस धाम हृदय में विराजमान हुए तभी तो उनको सतगुरु कहा गया। इसलिए यदि हम परम धाम की दृष्टि देखें तो कोई झगड़ा नहीं होगा। जब यहाँ की दृष्टि देखते हैं तो बार बार लड़ने लगते हैं कि यहाँ तो हमारे सतगुरु महाराज के सिवा किसी का जयकारा नहीं बोला जाएगा, उनके चित्र के सिया अतिरिक्त किसी का चित्र नहीं रखा जाएगा, और इसी लड़ाई झगड़े में सारे समाज में घृणा ही घृणा फैल रही है, कोई सतगुरु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। इसलिए सभी विवादों के निपटारे के लिए हमें मूल स्वरूप की तरफ चलना होगा। सन्मंत मूल को मैं तो पाऊपन छोड़ियो न जाए, यह है सतगुरु मेरा श्याम जी की व्याख्या। अब आगे के तीन चरण हैं। आपने देखा जो भी बात हुई है सतगुरु पर हुई है, या श्याम का अर्थ क्या है, मूल स्वरूप ही श्याम जी हैं, वही श्री कृष्ण जी के तन में आते हैं तो उनको श्याम जी कहा गया, महाराज के तन में आते हैं तो उनको वही कहा जाता है। जिस स्वरूप में वो आवेश स्वरूप होगा उसको सतगुरु की शोभा मिलेगी। जब तक उनकी छवि हृदय में विराजमान नहीं होती, किसी भी व्यक्ति को धर्म ग्रंथों के ज्ञान बल पर, किसी स्थान के बल पर सतगुरु नहीं कहा जा सकता। आजकल की उल्टी परंपरा बह रही है, ट्रस्टियों की कृपा से बड़े बड़े स्थानों पर वे लोग बैठ जाते हैं जिनको ये भी पता नहीं कि प्राणनाथ की परिभाषा क्या होती है, और सारा समाज एक स्वर से कहने लगता है कि ये तो साक्षात श्री देवचंद जी हैं, साक्षात श्री प्राणनाथ जी हैं, उनके जूठन रूप प्रसाद पाने के लिए सब तरसा करते हैं। मूल स्वरूप की चितवनी किनारी हो जाती है और उन तनों के दर्शन पर ही सब कुछ माना जाता है जिनको प्राणनाथ की परिभाषा नहीं मालूम, सतगुरु की परिभाषा नहीं मालूम, यहाँ से पतन का प्रारंभ हो जाता है। आप देखिए लगभग 30 मिनट सतगुरु मेरे श्याम जी की व्याख्या मैंने की है। तीन चरण हैं, मैं अहनिश चरण ले रहूं, सन्मंद मेरा याही सो ताथे सदा सुख लूं। अब दूसरा चरण है, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरण ले रहूं, इसकी व्याख्या आपको करनी है।
और तीन चरणों की व्याख्या में आपको आधे घंटे का समय कम से कम निकालना पड़ेगा। बोलिए, मैं अनिश चरणे रहूं, इसकी व्याख्या कौन करेगा? कार्तिक जी बताइए, कम से कम 3 मिनट बोलिए, मैं अनिश चरणे रहूं। प्यारे सुंदर साहब जी, मेरा सदगुरु मेरा साम जी को तो पहले हो चुका है, मैं अहनिश चरणे रहूं, इसकी व्याख्या क्या होगी? इसके अहनिश अर्थात अष्टपहर चौसठगरी राजजी महाराज जी की चरण में रहूं, मैं सदगुरु की सानिध्य रहूं। हे राजजी महाराज जी, हे धाम की धनी, मेरा आत्म को इतनी निर्मल कर दे, इतना जो चौसठ घड़ी अष्टभर चौसठ घड़ी आपके खाते पीते उठते बैठते सोवत सोपन जागृत जो आपकी ही चरण में आपकी ही नाम से मैं रहता हूँ रहूँ, ताकि मेरे संसार की कोई भी चीज़ कोई भी आशा आकांक्षा कुछ ना रहे, केवल मात्र धाम धनी की चरण में ही मैं रह सकता हूँ। मेरा कि इस मेरा हृदय में इतनी प्रेम भर दे कि आपके लिए जो आप ही की से मैं श्वास श्वास आप ही की नाम जपते रहूं। प्रश्न ये है, रात दिन इंद्रावती जी उनके चरणों में क्यों रहना चाहती? तो चरण में रहने की आशा इस तरह से है, जिस तरह से कि राजजी महाराज जी की शरण में रहना, चरण में रहने की तात्पर्य ऐसा है कि जैसा कोई जो व्यक्ति है उनकी स्थान जो उनकी दर्शन के लिए आ जाए तो उनको पूछे जाए कि महाराज अब कैसे आना हुआ, तो कहते हैं कि आप ही के चरण में आया हूँ। कहने का मतलब तात्पर्य ये नहीं कि चरण में पड़ा रहे, जो राजजी महाराज जी की शरण में जाना अर्थात उस व्यक्ति की शरण में जाना, जो राजजी महाराज जी ने जो कहे हुए जो मार्ग है, राजजी महाराज जी की जो मार्गदर्शन है उसी में जो समर्पित हो जाना ही चरण में रहने की आशा। देखिए, अर्थ करते समय प्रसंग का ध्यान रखना होगा। पहले महामती जी ने कहा है कि सतगुरु मेरे श्याम जी, मूल स्वरूप श्री राज जी मेरी आत्मा के सतगुरु हैं, उन्हीं के चरणों में मैं हर पल रहना चाहती हूँ। क्यों रहना चाहती हूँ मनीष जी, आप बताइए। महामती जी की आत्मा हर पल सतगुरु स्वरूप राज जी के चरणों में रहना चाहते हैं क्यों? देखिए सुंदर साहब जी, मंच पर तो आम जनता जो कम पढ़ी लिखी है उनके सामने आप कुछ भी कह लेते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। आगे बढ़ना है तो हमें अपनी भूलों को दूर करना होगा, और मैं जो किसी से भी पूछ रहा हूँ तो इसमें पहले ही दिन मैंने कह दिया था कि आप इसमें बुरा मत मानिए, मैं जो कुछ चाह रहा हूँ इसमें सबकी भलाई है, और आपको जो भी कष्ट होगा मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन ये तो प्रशिक्षण शिविर में मैं झूठी प्रशंसा कर दूँ कि आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा। इसमें एक एक बार कमियों पर प्रकाश डाला जाएगा कि चूक कहाँ हो रही है, क्योंकि आपको संसार से लड़ना है। आप बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बोलेंगे, वहाँ गलती करने से अच्छा है कि ज्ञानपीठ में सुधार दी जाए, नहीं तो वहाँ गलती होगी तो सिर तो मेरा नीचा होगा, ज्ञानपीठ का सिर नीचा होगा। तो आप कोई इसमें अपमान न सोचे कि हमको भरी सभा के बीच में कहा जा रहा है कि ऐसा अर्थ होगा ऐसा होगा। यहाँ सभी अपने सुंदर साथ हैं, और सबसे मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ किसी को चौपाई का अर्थ नहीं आता है तो बाहर जाकर हंसी न उड़ाएं कि आपसे पूछा गया था और आपको अर्थ नहीं आया, हंसी करना अपराध है। हाँ बोलिए, मैं अहनिश चरणे रहूं, इसकी व्याख्या चाहिए। लिंक से बोलना होगा, समय काटने के लिए इधर उधर नहीं, जो बात कही गई है केवल उसी की व्याख्या। मैं अहनिश चरणे रहूं, श्री इंद्रावती जी की आत्मा श्री अपने प्रियतम के चरणों में रात दिन हर पल रहना चाहती है, इसका क्या तात्पर्य है? ये समझना पड़ेगा सुंदर साहब जी, जिस तरीके से मछली जल के बिना नहीं रह सकती वही उसका जीवन है, ठीक उसी प्रकार इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान जो उनका दिल है वो इश्क का स्वरूप, वो राज्य का ही दिल है। राज्य का ही दिल सभी आत्माओं के अंदर में है, तो एक दिल
दूसरे दिल से अलग कैसे रह सकता है। इसी भाव को इंद्रावती जी ने जब जाना कि मैं ही सूरज, जैसे दूसरे उदाहरण से अगर हम समझे तो सूरज की किरण कभी सूरज से अलग नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार सागर की लहरें कभी सागर से अलग नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार जिसकी जिससे उत्पत्ति हुई है वो उससे कभी अलग नहीं रह सकता। राज्जी ने ही परम धाम के अंदर में अपने अनंत स्वरूप धारण कर लिए और अनंत स्वरूप के अंदर में अपना ही दिल सबके अंदर में विराजमान कर दिया। इसलिए परम धाम के अंदर में एक दिली कही गई है, क्योंकि वहाँ पे दो दिल का सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि राज्जी का ही दिल हर स्वरूप के अंदर में विराजमान है। इसलिए इंद्रावती जी की आत्म जब इस नश्वर संसार में आती है, क्षर ब्रह्मांड के अंदर में जब उनकी नज़र श्री मरु के जीव के ऊपर में पड़ती है और मरु के जीव के ऊपर में पड़ने के बाद जब उनको इस ज्ञान के बारे में अपने सदगुरु श्री धनी श्री देवचंद्र जी के बारे में जब उनका मिलाप होता है और मिलाप होने के बाद जब उनको अपने अपने बारे में और अपने प्रियतम के बारे में जब जानकारी प्राप्त होती है, जब ये समझ आता है कि मेरे और मेरे धनी के अलावा और कोई भी नहीं, मैं उन्हीं की अंगना हूँ, मैं उस प्रेम और आनंद के सागर की लहर हूँ जो परम धाम में हर पल उसके प्रेम में उसके आनंद में डूबी रहती थी। आप ये बताइए, राज जी से श्यामा जी कितने वर्ष बाद उत्पन्न हुई है? आपने कहा है कि मैं उत्पत्ति हुई है, परम धाम में किस चीज की उत्पत्ति होती है? एक्चुअली स्वामी जी शब्दों में थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा चूक हो गई। उत्पत्ति का ये है कि जब से परमात्मा है उनके अनंत स्वरूप भी तभी से है। हाँ ये ठीक है। देखिए जल है, बह रहा है, वो हकीकत है। जल जम गया है तो मारिफत है। जमा हुआ जल और बहता हुआ जल दो नहीं है, रूप बदल रहे हैं। लीला रूप में मारिफत हकीकत में बदल गया है। जब से परम धाम है, जब से राज्य हैं, तब से श्यामा जी हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सखियां उत्पन्न हुई हैं, कोई किसी से उत्पन्न नहीं होता। एक ही अक्षरातीत सभी रूपों में लीला कर रहा है। अब जब उस स्वरूप की पहचान हो जाए, क्योंकि यह प्रकरण जो घटित हुआ होगा केवल मूल स्वरूप से संबंधित है। श्री देवचंद जी का यहाँ कोई भी प्रसंग नहीं है, सबके लिए संबोधन है। सब सुंदर साथ को राह दिखाई जा रही है कि सन्मंद मेरा यहाँ सो मैं ताते सदा सुख लूँ, सन्मंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़े न जाए। मूल संबंध निस्बत की पहचान होने के बाद एक आत्मा पुकार रही है कि मेरे प्राणेश्वर तू ही मेरा सतगुरु है, तू ही मेरा प्रीतम है, तू ही मेरे जीवन का आधार है। सागर से कभी लहर अलग नहीं हो सकती, सूर्य से किरणें अलग नहीं हो सकती, मेरा सर्वस्व तो तू है, इसलिए मैं तुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहना चाहती। हम उसी भाव से अपने प्राणेश्वर को पुकारें कि मेरा प्रीतम हर पल मेरे साथ है, मेरी आत्मा के धाम हृदय में प्राण की नली से भी अधिक सहरक से नज़दीक है, जो मेरी आत्मा का पथ प्रदर्शक बना हुआ इस मायावी जगत में भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मोह सागर से मुझे मर्जिया की तरह बीच मर्जिया हुई काढ़ी मुझे मीने मोहम्मद सी पहचान। जिस तरह से गोताखोर समुद्र से मोती को निकालता है, वैसे इस मोह सागर से मेरे प्रीतम ने तूने मुझे निकाला है। तू मेरी आत्मा का धाम धनी है, इसलिए तेरे चरणों की छत्र छाया से मेरी आत्मा एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती। दिन रात तेरे चरण कमलों की शोभा को अपने हृदय मंदिर में बसाए रखना चाहती है और यही एहसास करना चाहती है कि मेरी आत्मा केवल तुम्हारी है और तुम मेरे हो। यह है दूसरे चरण की व्याख्या। मैं अहनिस चरणे रहूं, बैठ जाइए। सन्मंद मेरा यही सो, अमित जी बताइए, सन्मंद मेरा यही सो, इसको कैसे व्याख्या करेंगे? प्रसंग के अनुकूल ध्यान रखते हुए इस चौपाई पर 10 मिनट तक बोलने का प्रयास करेंगे। हर सुंदर साथ
प्यारे सुंदर साथ जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरने रहूं, सनवंद मेरा याही सो। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी ही मेरे वास्तविक सतगुरु हैं और उनकी सानिध्यता में, उनके शरण में ही मैं रहना चाहती हूं। और सनमंद मेरा याही सो। देखिए, संसार में हमारे लौकिक संबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पर संबंध बात किया जा रहा है आत्मा और परात्म के बीच में। जैसे कि हम परमधाम में क्या सोचते थे, मैं हक अर्श में जुदे जानती। हमको निस्बत की वास्तविक पहचान नहीं होने के कारण ही धामधनी ने हमें इस नश्वर खेल में भेजा, अपनी निस्बत की वास्तविक पहचान देने के लिए। अब यहाँ आकर जब हम धनी की बिरहा में तड़पते हैं तो हमको पता चलता है कि हम तो राज्य के ही स्वरूप हैं, उनके ही अंश हैं। इसलिए श्रृंगार में कहा गया, मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्म इलम दृढ़ किया, रो अजुक क्यों ना होए टुक टुक। जब ब्रह्मवाणी का गहन चिंतन हम करते हैं, सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा की वाणी का, तब हमें पता चलता है कि जो हमारे मासुक हैं, प्रियतम हैं, हम उनसे जुदा नहीं हैं, वो हमारे दिल में बैठे हैं और हम उनके दिल में ही बैठे हैं। हम अरस परस है हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब, हम हक में, हक हम में और हक बिना सब खाब। तो जब हम चितवन की गहन स्थिति में डूब जाते हैं तब हमें ये आभास होता है कि हम तो धनी के ही अंश हैं। सनमंद मेरा याही सो, हमारी जो शाश्वत संबंध है, शाश्वत निस्बत है, वह धनी के चरण कमल से ही है। इसलिए इसके पहले चरण में कहा गया, मैं अहनिश चरने रहूं। हम जिससे हमारा वास्तविक संबंध होता है, जब हमें ये पहचान हो जाती है, तो उसकी सानिध्यता में ही हम हमेशा रहना चाहते हैं। क्योंकि हम जिसकी सानिध्यता चाहते हैं, जिससे हमें प्रेम होता है, उसके पास ही हम रहना चाहते हैं। लौकिक दृष्टि में भी देखें तो जो हमारा मित्र है, जो हमारा घनिष्ठ संबंध जिसके साथ है, हमें उसी के साथ समय बिताने में आनंद आता है। इसी प्रकार जब धनी से हमें अपनी वास्तविक पहचान हो जाती है आत्मा की, तब हमें उनसे बातें करने में, उनके स्वरूप को देखने में ही हमें आनंद आता है। इसी कहते हैं सनमंद मेरा याही सो। उनसे जब हमारे अपने निस्बत की पहचान हो जाती है, तब हमें उनसे समय बिताने में जो आनंद आता है, तभी वो परमधाम का आनंद हमारे दिल में आता है। और उनकी मेहर से ही, राज्य की मेहर से, जब ये सनमंद की वास्तविक पहचान होता है, हो जाती है, तो परमधाम की संपूर्ण अखंड संपदा हमारे दिल में आने लगती है। इतही हक मेहरबानगी, इतही हुक मिलम, तो जोश इसक क्यों नाही, जह हक धरे दिल में कदम। जब राजीव महाराज के शोभा श्रृंगार, उनके चरण कमल हमारे हृदय में आ जाते हैं, तो उनकी सारी संपदा, क्योंकि हमारे उनसे संबंध है, तो वो सारी संपदा हमारे धाम हृदय में झलकने लगती है। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहाँ चाहिए था, हक का मेहर तित होते है, जित असल है निस्बत। तो ये निस्बत का, हमारा जो शाश्वत अखंड का संबंध है, इसी के कारण ही हमें ये ब्रह्मवाणी प्राप्त हुई। और जब इसकी वास्तविक पहचान हमें हो जाती है, तो परमधाम की अखंड की सारी संपदा हमारे धाम हृदय में झलकने लगती है। इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी वक्तव्य को यहीं रखता हूँ। प्रणाम जी। बहुत अच्छी व्याख्या की। आप जब व्याख्या कीजिए तो प्रसंग को ध्यान में रखिए, प्रसंग से बाहर की कोई चौपाई ना लीजिए, उस प्रसंग से जुड़ती हुई कुछ भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सनमंद मेरा यही सो, इस तीसरे चरण में अखंड अनादि संबंध की पहचान कराई जा रही है। पहले चरण में बताया गया है सतगुरु कौन कहला सकता है, दूसरे चरण में बताया गया है कि उसकी पल पल सान्निध्यता चाहिए, तीसरे चरण में बताया जा रहा है कि इनसे मेरा अखंड संबंध है, अनायासी नहीं मिल गए हैं मुझे, उनको तो मिलना ही था। सागर सारी शक्ति लगाकर अपनी लहरों को अलग नहीं कर सकता, चंद्रमा अपनी चांदनी को अलग नहीं कर सकता,
मारा बस किधल वाला रे मुसुगल का केम करी था सो। माया में भेजे हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मेरे से अलग रह पाओगे। मेरा अखंड अनादि संबंध आपसे है और आपने वाणी का प्रकाश देकर मेरी आत्मा को जागृत किया है, तो मेरी आत्मा पल पल आपकी सानिध्यता चाहती रहेगी, क्योंकि मेरा मूल संबंध है, मेरा मूल अधिकार है। आप मेरे प्राणेश्वर हो तो मैं भी आपके प्राणेश्वर हूँ, अर्धांगिनी हूँ। आप मेरे हृदय के स्वामी हो तो मैं भी आपके हृदय की स्वामिनी हूँ, और इस अधिकार से मैं दावा करती हूँ कि मेरा आपका अनादि काल से अनंत काल से संबंध है और रहेगा। इस तीसरे चरण की व्याख्या में आप इस तरह के भाव व्यक्त कर सकते हैं। चौथा चरण है ताथे सदा सुखलो, मैं ताथे सदा सुखलो। इसका अर्थ कौन बताएगा? किरण माता जी आप इसकी व्याख्या कीजिए। मैं ताथे सदा सुखलो, मैं ताथे सदा सुख लियो। जो मेरे धनी हैं वो क्या हैं? सुख के दाता। वाणी में भी कहा है सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी। जो मेरे धनी जो हैं सुख के देने वाले हैं, जब हम उनका ध्यान करेंगे चरणों में, हम उनकी सानिध्यता में रहेंगे, और जब हमें हमारी मूल निस्बत की पहचान हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? सुख ही तो मिलेंगे। परम धाम में क्या है? सुख ही तो हैं, और वो सुख को ही देने वाले हैं। और यदि हम इसके उल्ट माया की तरफ लगते हैं तो माया क्या है? तो माया तो दुख की निधान है, वो मुख दुख देने वाली। तभी तो कहा गया है लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमको तुमसे भागसी। इसलिए हमेशा की बात है कि हमें अपने धाम धनी जो सुख देने वाले हैं, हमें अपनी सुरता को हर पल उस मूल मिलावा में लगा के रखेंगे। जैसे कि रामचंद्र जी हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यदि कोई राम को याद करेगा तो राम के गुण आएंगे, अगर कोई रावण को याद करेगा तो रावण के जो अवगुण हैं जो भी उनके हृदय में आ जाएंगे। इसलिए कहा है कि हमें हर पल हर समय सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए श्याम श्यामा जी सा जी तले भूम बैठे हैं जाए। हमें अपनी सुरता को उस धनी के चरणों में ही लगा करके रखना है। देखिए चरणों के प्रत्येक शब्द की गहराई पर हमें ध्यान देना होगा। इंद्रावती की आत्मा स्वयं पुकार रही है और हमारे लिए सिखाफन दे रही है। पहले के तीन चरणों में यह बात दर्शाई जा चुकी है कि इस मायावी जगत में सतगुरु रूप में मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत आए हैं, सबकी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। मैं पल पल उनकी सानिध्यता में रहूं और उनके चरणों से एक पल के लिए भी अलग न हूं। सूर्य उगता है तो प्रकाश देता है, सागर लहराता है तो क्रीड़ा का आनंद देता है, चंद्रमा उगता है चांदनी फैलाता है, फूल उगते हैं सुगंध देते हैं। जो हमारी प्राण की नली से भी निकट है तो उसे परमधाम का मैं सुख क्यों न लूं? एक प्रश्न ये होता है कि किसी कारण हम किसी ब्रह्मात्मा के अंदर युगल स्वरूप की छवि देखते हैं, सदगुरु मान लेते हैं, लेकिन कभी हम आहत होते हैं तो उस समय क्या करें? क्योंकि मानवीय तन का स्वभाव होता है, जब श्री देवचंद जी ने महाराज का प्रणाम स्वीकार नहीं किया होगा तो उसमें महाराज भी बहुत आहत हुए कि कैसे सदगुरु महाराज हैं जो बाल भाई के कहने पर मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं कर लेते। महाराज उसमें हार जाते हैं, किस भावना से? कि जब तक सदगुरु महाराज नहीं बुलाएंगे मैं आऊँगा नहीं। ये कौन बोल रहा है? जीव का अहम बोल रहा है। यदि महाराज वहीं बैठ जाते कि नहीं देखता हूँ,
एक दिन बीते, दो दिन बीते, चार दिन बीते, सतगुरु महाराज कभी तो उठते, कभी तो भोजन करने के लिए चादर उठाएंगे, स्नान करने के लिए चादर उठाएंगे, लेकिन जीव का अहम टकराता है कि मैं 9 साल से जिनसे दूर हूँ, जिनके आदेश पर मैं 5 सालों से अरब में भटक रहा हूँ, उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं कि मैं पैसा खा सकता हूँ, तो मुझे भी अब नहीं मिलना है। इसी अहंकार की गर्दन मरोड़नी है। सर्प को तब तक मारा जाता है उसके मुंह पर जब तक उसकी पूंछ हिलती रहती है, तब तक उसकी मुंह पर मारा जाता है। जब तक पूंछ का हिलना क्या है? अस्तित्व का द्योतक है। अस्तित्व को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुख को कुचला जाएगा। मुख को कुचला यानी अहंकार को मारा जाएगा। श्रद्धा के अतिरेक में असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं होती। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी है, श्रद्धावान व्यक्ति समाधि का अधिकारी है, और वही व्यक्ति परमात्मा को पाने का भी अधिकारी बन सकता है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, वो 1000 साल तक समाधि लगाने का प्रयास करे, उसकी समाधि कभी भी नहीं लगेगी। यदि किसी परमात्मा के पंचभौतिक तन में आपको अवगुण नजर आता है, तो पहले ही एक चौपाई कह दी गई है, अवगुण काढ़े गुण ग्रह हरे से हुई चित। उस आत्मा का जीव अवगुण कर रहा है, आत्मा तो नहीं कर रही है, आत्मा तो दृष्टा भाव से देख रही है। आपने परम धाम के संबंध से उसमें ब्रह्मात्मा के लक्षण देखे, ब्रह्मात्मा तो मांगते हैं, तो उस हृदय पर धाम देने की कृपा है, तो परम धाम की दृष्टि से देखिए। देवचंद जी को भी क्रोध आता होगा, मीराज के तन से भी क्रोध की लीलाएं होती हैं, जयराम कंसारा को कुत्ता कह दिया, चचोड़ ठोर मुर्दार कह दिया, हरिवंश को फटकारा, लेकिन ये मानवीय विकार हैं, उन विकारों को आत्मसात नहीं करना है, हमें तो उस शाश्वत सत्य को ग्रहण करना है। यदि हम विकारों को देखते रहेंगे तो क्या होगा? वो विकार हमारे चित्त में समाहित हो जाएंगे। हम अपनी श्रद्धा की सफ़ेद चादर पर काले क्यों पोतने दें? हमारी श्रद्धा, हमारे समर्पण की चादर इतनी उज्जवल हो कि हमारे अंदर संशय न हो। परमहंस महाराज जी को गांजा पीते हुए देखकर मन तो खिन्न हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक ये पढ़ रखा है कि बिना तम्बाकू छोड़ दो, और गांजा तो एक नशे में आता है। किंतु जिन्होंने परमहंस महाराज से रामचंद्र दास जी के स्वरूप को देखा, उनके हृदय में धाम बैठी हुई परम धाम की आत्मा और आत्मा के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को देखा, वो धन धन हो गया। आज के युग में यदि परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी आ जाएं तो आप क्या करेंगे? आप तो यही कहेंगे कि मैं तो PhD किए हुए हूँ और महाराज जी तो 5वीं क्लास भी नहीं पढ़े हैं, मैं फ्लाइट में घूमता हूँ और महाराज जी तो पैदल चल चल कर जाते थे। यदि ये बात सोचेंगे कि मैं तम्बाकू भी नहीं छूता, महाराज जी गांजा पीते हैं, तो ये अवगुणों की चादर आपने ओढ़ ली, आपने दोष दृष्टि बना ली, परिणाम क्या होगा? आपकी यह दोष दृष्टि आपसे श्रद्धा हटा देगी, आपसे समर्पण हटा देगी, और परिणाम अपूर्णीय क्षति आपकी होगी। ऐसी स्थिति में आप हर परमात्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को छवि को देखिए, और यह भावना रखिए कि मेरा प्रियतम आत्मा के धाम हृदय में जब बसता है तो सभी सुखों का भंडार तो मेरे प्रियतम में है, वह प्रियतम जो मेरी आत्मा में बसता है। मैंने जिसको अपने जीवन का आदर्श माना है उसके धाम हृदय में बसता है, उस परम धाम की भावना से लेंगे तो आपको यहीं बैठे बैठे परम धाम के सारे सुखों का रसपान यहीं मिलेगा। वैदत का सुख मिलेगा, निस्बत का सुख मिलेगा, खिलवत का सुख मिलेगा, 25 पक्षों के दीदार का सुख मिलेगा, 8 सागरों के सुख की लज्जत यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं, तभी तो जागे नहीं है। यदि आप 8 सागरों के सुख का यहाँ रसस्वादन नहीं कर सके तो जागृत होना किस आधार पर कहला रहे हैं? आप इसलिए जागृत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी दृष्टि में दोष है। उस दोष को हटाइए, अपने हृदय में श्रद्धा भरिए, समर्पण भरिए। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, लेकिन आपकी दृष्टि तो पवित्र होनी चाहिए। आप यही देखते रहे कि सतगुरु देवचंद जी को पाती नहीं लिखवानी चाहिए, उनसे भूल हुई, प्राणनाथ जी से बहुत बड़ी भूल हुई। क्या भूल हुई? आजकल क्या कहा जा रहा है, प्राणनाथ जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कुरान पक्ष क्यों जोड़ दिया? आजकल की क्या हो सकता थी,
यानी प्राणनाथ जी को समझ नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। ये कौन बोल रहा है? जो अपने को ज़्यादा चतुर समझते हैं। और यही श्रद्धाहीनता हमें पतन के गर्त में ले जाती है। हम परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास में बार बार दोष ढूंढें, किसी भी परमहंस में जो गलतियां हैं उनकी व्यक्तिगत है, जो वो कहते हैं वो करना चाहिए, जो वो करते हैं वो करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी आस्था किस पर होनी चाहिए? मूल स्वरूप पर। किसी परमात्मा में युगल स्वरूप की छवि दिखाई देती है तो हमारा कर्तव्य है कि वह हृदय कभी आहत न होने पाए, हमारी श्रद्धा बरकरार रहे। हाँ, उस तन से जो अवगुण होगा उसको दंडित करने का कार्य राज्य का है, हमारा काम नहीं है कि हम उसको नंगा कर दें कि देखो परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी तो गांजा पिया करते थे, हम एक गजड़ी को सतगुरु क्यों माने? आप कह तो सकते हैं क्योंकि ये वाणी के विपरीत है। ऐसा कहकर आप अपने अहंकार की वृद्धि कर लेंगे। आपको ये देखना होगा कि परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी मार्फत की अवस्था में पहुँचे, कठोर साधना किए और जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े उन चरणों की धूलि हम अपने सिर पर रखें, हम विनम्र बने तो हम आगे बढ़ेंगे। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी के अंदर बैठी हुई ब्रह्मात्मा हमें पल पल आशीष देगी क्योंकि हम ब्रह्मात्मा की गरिमा बना रहे हैं। आप किसी की महिमा गाएंगे, आप किसी के प्रति श्रद्धान्वित होंगे तो आपकी भी महिमा बढ़ेगी। आप किसी को नंगा करेंगे तो आपकी महिमा क्यों बढ़ेगी? आप तो उस ब्रह्मात्मा को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए मैं ताथे सदा सुख लेऊं, जो मूल मिलावे वाला अक्षर अतीत है मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, ब्रह्मात्माओं के हृदय में बसता है, जिससे मैं एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। जब प्रियतम हर पल हमारी आत्मा के धाम हृदय में है तो हमें नूर सागर का सुख, नीर सागर का सुख, क्षीर सागर का, दध का, घृत का, मधु का, रस का, सातों सागरों का सुख मैं लूँ तभी तो मैं सर्वरस सागर के अंदर क्रीड़ा करने वाली मानी जाऊँगी। इसलिए मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरा प्रीतम अनादि अक्षरातीत है और वही प्रीतम मेरी आत्मा के सेहरक से भी नज़दीक बसता है, मैं उससे हर प्रकार का सुख लूँ। इस चौपाई की आप इस तरह से व्याख्या करेंगे, हर कोई सुनने का प्रयास करेगा। प्रसंग के विपरीत किसी भी स्थिति में आपको नहीं जाना है। प्रसंग का ध्यान रखिए, चर्चा करते समय किसी भी प्रकार का अहंकार न पलिए। अपने पहले से, आपके पहले यदि किसी विद्वान ने चर्चा कर ली है तो भरे मंच पर उसको खंडित न कीजिए, ऐसा कोई भी शब्द न बोलिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस लगती हो। इतना जरूर कीजिए कि सिद्धांत विपरीत कोई बात हो तो आप उसको अवश्य कहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा हो ज़्यादा उचित होगा। और किसी भी महापुरुष की, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी हों, युगलदास जी हों, भैया सीताराम जी हों, दयाराम बाबा हों, इनके तन से होने वाली त्रुटियों को हम कह करके हंसी न उड़ाएं क्योंकि ये हमारे ऊपर अमिट गुनाह बन जाएगा। किसी ब्रह्मात्मा की हंसी उड़ाना सबसे बड़ा पाप होता है। हम जितना किसी की हंसी उड़ाएंगे उससे कई गुना हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। हम सोचें कि किसी ब्रह्मात्मा के दिल को यदि राज्य ने अपना धाम बनाया है, उससे सेवा ली है तो वो हमारे लिए पूज्य है, उसके हृदय में बैठे हुए धनी की शोभा को हमें देखना है। और ऐसा हम करते रहेंगे तो बातचीत जीतते रहेंगे। ऐसा न हो कि हम अपनी छोटी उपलब्धियों को बहुत बड़ा मान लें और ब्रह्मात्माओं की हंसी उड़ाना शुरू कर दें और अखंड सुख से वंचित हो जाए। इसलिए हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को देखना है, हर ब्रह्मात्मा के अंदर युगल स्वरूप की छवि को देखना है। ऐसा करेंगे तो हमारा हृदय भी पवित्र होगा, नहीं तो दिन भर निंदा करते करते हमारे मन में ऐसा कचरा इकट्ठा हो जाएगा कि उससे हम वंचित नहीं हो पाएंगे और हमारा ही आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि सब में आत्म सवनी एकदि से जुजवी तेदि से दिए। कल जिस चौपाई की चर्चा की जाएगी वो है श्रृंगार की पहली चौपाई, वर्णन करो रे रुचि हके तुम सिर दिया भार
अर्ज किया, अपने दिल को माही बैठाओ कर श्रृंगार। आपके पास आज काफ़ी समय है, कल इसकी चर्चा की जाएगी और मैं आशा करूँगा कि सुंदर साथ इस चौपाई को गंभीरता से लेंगे। आनंद में इस चौपाई की चर्चा हुई थी, पहली पंक्ति पर संभवतः एक घंटा बीता था, आपको प्रयास करना है कि एक चौपाई में एक घंटा अवश्य बिताएं। लिंक के अनुसार जैसा मैंने कहा है उस तरह की चर्चा का अभ्यास कीजिए, कल इस चौपाई पर चिंतन होगा।